तुम्हें जो मजहब दिया गया वो किसी के पास नहीं है। इसके अंदर तमाम मसलों के जवाब, तमाम प्रॉब्लम्स के हल पाने कुल्लुफी मसलिन फाबाकुरा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम लोग घमंडी हो हर चीज का। सोशल लॉज, इकोनॉमिकल लॉज, पॉलिटिकल लॉज हमारे पास मौजूद है, ऑल द स्केलेटन एंड द ब्लूप्रिंट्स वी हैव इट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वी आर नॉट ओब्लाइज्ड टू लुक ओवर देम, वी आर बिजी इन रैट रेस। हम एक रैट रेस गेम के अंदर फंस चुके हुए हैं। हम लोगों को पता ही नहीं हमारी वो जो मैंने कहा ना जिस तरह आइडेंटिटी, लॉस्ट ऑफ आइडेंटिटी। मैं इस चीज को खत्म करता हूं, नटशेल पे बात करता हूं कि पॉइंट क्या है इस लेक्चर का। नंबर वन, अपनी औकात मत भूलो कि तुम किसकी किस तरह पैदा हुए। माइंड दाफिक, और इसको समझ लें इस बात को, माइंड दाफिक का मतलब एक उछलते हुए पानी, उससे तुम पैदा हुए। तो कौन अमीर कौन गरीब, खत्म कहानी, यू ऑल इक्वल। नंबर टू, तुम्हारी आइडेंटिटी एज ए रिलीजन क्या थी, इस्लाम। जब मुसलमान हो तो तुम झुक ही नहीं सकते किसी के आगे, मुसलमान झुकता ही नहीं है। काश कि आज हमारे पाकिस्तान के अंदर लोगों को पता चल जाए कि आपकी आइडेंटिटी क्या थी। आज हम लोग क्या क्राइसिस में, कुफर काफिर हंसता है। चलो ठीक है, स्टेट क्राफ्टिंग के तबार से तुमने पाकिस्तान तो हासिल कर लिया, लेकिन तुम तो अभी तक लॉस्ट ऑफ क्राइसिस में हो, या लॉस्ट ऑफ आइडेंटिटी में, या क्राइसिस चल रही है तुम्हारी कि अभी तक तुम्हें अपने जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान का पर्पज ही नहीं पता कि तुम्हारा वजूद क्या था। हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बड़ी प्यारी बात लिख दी कि नथिंग मस्ट बी डन टू द रिपग्नेंट ऑफ द होली कुरान एंड सुन्ना। तो आज हमारे पास एक कॉर्नर स्टोन, एक वर्डिक्ट, द हाइएस्ट कल्मिनेटिंग स्टेटमेंट मौजूद है, और उसके वो एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसके नीचे सारे ये मामलात आते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि वी हैव होल्ड, हमने वो अम्ब्रेला के अंदर सुराख कर दिए, हमने उसके अंदर इतने सुराख कर दिए कि आज वो समझ ही नहीं आती वो अम्ब्रेला क्या है। जो चीज ऊपर से फितना आ रहा है हमारे अंदर घुस ही जा रहा है, चोर दरवाजे। तो कम से कम अपनी आइडेंटिटी, अपने आपने अपनी शनाख्त कर ले, आप कौन है, आप कहां से आए, आप क्या है, आपका पर्पस क्या है। जब आपकी अपनी आइडेंटिटी मिल जाएगी ना आपको कि हम मुसलमान थे क्या, क्या हम लोग ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी के गुलाम थे, क्या हम फ्यूडलिज्म के गुलाम थे, क्या हमारे पास कोई इकोनॉमिकल सिस्टम नहीं, क्या हमारे पास कोई जो है पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था। ये होती है लॉस्ट ऑफ आइडेंटिटी, जब आपको पता ही ना हो कि आपके रूट्स क्या थे। आज जब जबलुल तारिक को जिब्राल्टर बना दिया जाए या जाबिर इब्ने हाइजम को हेजन कर दिया जाए तो फिर क्या करना उस कौम ने, बताएं। यही तो मेरा पॉइंट है, लॉस्ट ऑफ आइडेंटिटी हो गई ना। कितनी चीजें साइंस के अंदर जो है पाइनियर्ड, इंजीनियरिंग मुसलमानों की है, लेकिन आपको पता ही नहीं। तो मैं यही अक्सर लोगों को बोलता हूं, बस अपनी आइडेंटिटी पहचान लो और अपना हदफ पहचान लो, आपका अल्टीमेट गोल क्या था, या आपका गोल क्या है और किसकी जहद करनी है, किस तरफ डायरेक्शन हमें लेकर जानी चाहिए। अब सारे मामला की ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये हमारे नबी पाक ने फरमा दिया है। उम्मत का जो जवाल है ना, वो तो आना था, वो आ चुका हुआ है, लेकिन इस जवाल के अंदर क्या आप उसका हिस्सेदार बनना चाहते हैं, ये सोचें। मैं अक्सर अपने बयान में यही एजुकेट करता हूं लोगों को कि आप ताकत में तभी हो जब आपको अपनी आइडेंटिटी पता हो। जब हम डिग्री तो तू डिग्रम हो तो आप कभी भी एक नहीं हो सकते। ये मेरी बात याद रखिएगा, हम कभी भी यूनाइटेड नहीं हो सकते जब तक हमारा, हमारे जो हेड है ना वो सही ना हो जाए। जब हेड करप्ट हो ना किसी नेशन का या एक इंडिविजुअल फैमिली का, जब हेड करप्ट हो, जब लीडर करप्ट हो, तो पूरा जो घर है या पूरा जो स्टेट क्राफ्टिंग की सोसाइटी है वो करप्ट होती है। जब हेड अपराइट हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बॉडी जो है वो अपराइट ना हो। और जब इस्लाम हो सही नाफिस, तो ये हो ही नहीं सकता कि वहां पे ना इंसाफियां हो। ना इंसाफी तब होती है दो वजूहात से, या आप जालिम हो या आप लॉस्ट ऑफ आइडेंटिटी के शिकार हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।